Assalamualaikum to all, welcome to my YouTube channel। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्व ब्लॉक किस तरीके से लगाए जाते हैं, कर्व ब्लॉक लगाने का तरीकेकार क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन है, फिक्सिंग ऑफ कर्व ब्लॉक। तो आप ये देखें कि ये जो है वो एक्सकेवेशन की है हमने, ये टोटल स्टेशन के थ्रू मार्किंग की है, पॉइंट्स लगाए हैं। अब इस पॉइंट भी ऑफसेट है, इस ऑफसेट के हिसाब से यहाँ पे हमने कर्व ब्लॉक के निशान दे दिए हैं और ये लेवल दे दिया है। ये हमारा कर्व ब्लॉक का लेवल है, हमने ये लेवल में भी ऑफसेट दिया है ताकि हमें आसानी हो इस पर स्ट्रिंग वायर बांधने के लिए, डोरी बांधने के लिए। अभी ये एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ये देखें तकरीबन हमने 50 फीट के इंटरवल पे ये स्टील रॉड्स जो हैं वो नीचे ठोक दिए हैं। अब इनको डोरी बांधेंगे। अब ये जो एक्सकेवेशन की है इसकी ड्रेसिंग करने के बाद इस पर पानी लगाएंगे और इस पर लीन कॉन्क्रीट करेंगे। तो ये एक्सकेवेशन हमारी हो गई है, लीन कॉन्क्रीट करेंगे। लीन कॉन्क्रीट के बाद इस पर मोटार के थ्रू हम लेवल निकालेंगे और फिर कर्व ब्लॉक फिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेआउट किया टोटल स्टेशन के थ्रू, उसके बाद ऑफसेट सेव कर लिया, उसके बाद कर्व ब्लॉक के लिए लेवल लगा दिए ताकि ये कर्व ब्लॉक के टॉप को मेंटेन कर सकें, और फिर एक्सकेवेशन शुरू कर दी। एक्सकेवेशन के बाद लीन होगी, लीन के बाद मोटार जिस तरीके से मैंने आपको बताया ले किया जाएगा, मसाला बना के सीमेंट और सैंड का 1:6 का रेशो चलता है, उसके बाद कर्व ब्लॉक फिक्सिंग होगी और फिर पॉइंटिंग होगी। इधर जो है इसकी ड्रेसिंग कर रही है, एक्सकेवेशन हो गई है, पानी लग गया है और ये इसके लेवल्स लग रहे हैं। ये सर्वेयर खड़ा है, सर्वेयर ने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगाई हुई है, ये बंदा यहाँ पे स्टाफ लेके खड़ा है, ये यहाँ पे लेवल्स लगा रहे हैं। सॉल्यूशन टेप इसके पास है, ये लेवल्स लगा रहे हैं, देखें इस तरह से। उसके बाद इसी कॉन्क्रीट करेंगे, लीन कॉन्क्रीट करेंगे और फिर कर्व ब्लॉक की फिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। ये ड्रेसिंग देखिए, यहाँ पे हमने लीन शुरू कर दी है, 1:4:8 का रेशो चलाया है हमने इस पर और ये हमने लीन कॉन्क्रीट शुरू कर दी है। ये लीन कॉन्क्रीट के बाद जो है इस पर फिर हम कर्व ब्लॉक के लिए नीचे मोटार लगाएंगे और कर्व ब्लॉक लेकर ना कर्व ब्लॉक फिक्सिंग शुरू करेंगे। कर्व ब्लॉक लगा दिए, देखें ये लेकर रहे हैं कि पॉइंटिंग रहती है। पीछे हंचिंग होगी इसके, अगर इनका गैप ज़्यादा बड़ा रख देते हैं ना दरमियान में तो फिर इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं आती, और इसका जो रेशो होता है वो 1:6 का रेशो चलाते हैं यूजुअली। इसके नीचे जो है इसको लेवल करने के लिए मोटार डाल दिया, 1:6 के रेशो के हिसाब से अब इनकी फिक्सिंग हो रही है।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज।